बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम। आज हम इसी से शुरू करेंगे। काना वखवादुहा, क्या होता है काना वखवादुहा? काना जो अपने उसको अपने बाद वाले फेल को मरफू करता है और उसके बाद उसे चलो, खैर, उसका कान्हा के काम को छोड़ें, बस हम यहाँ पे ये सीखेंगे कान्हा और उसकी जो बहनें हैं, यानी कि से मिलते जुलते जो अल्फाज हैं उनके रूल सीखेंगे, ठीक है? तो वो भी ठीक आप कर लेना उसको फिर। नेक्स्ट आज सीला अजीज हामु शदीदुन अजीहामु ज़ियाम कहते हैं किसको? रश को, भीड़ को। भीड़ अज़्ज़हामु शदीदुन भीड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी गलती है। ओके, अज़्ज़हामु शदीदुन, रश शदीद है। नेक्स्ट, काना अज़्ज़हामु शदीदन रश बहुत ज्यादा माजी में लगेगा। काना तो है के मायने देता है, यहाँ था पे काम था। जो है वो अच्छा मुजारिब का मतलब माजी में तब्दील कर देता है। रश बहुत ज्यादा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसको माजी में बदल देता है। भीड़ बहुत ज्यादा थी। अलबैतु नजीफुन घर साफ है। कान अलबैतु नजीफुन घर साफ था। असौबु कसीरुन कपड़ा छोटा है। सारत सौबु कसीरन कपड़ा छोटा था। कपड़ा छोटा हो गया। कपड़ा छोटा हो गया। अल्बर्टो कॉरिसन कॉरिसन ज्यादा ठंड सख्त को कहते हैं, सख्त शदीद को कहते हैं, ठीक है? सर्दी शदीद है, सर्दी सख्त है। सख्त मतलब ठीक है। सर्दी है। सारल बर्दू कारिसन सख्त सर्दी हो गई है। सर्दी सख्त हो गई। सर्दी सख्त हो गई। العاملون الخادم قبيش خادم غلام خدمت करने वाला कभी सेकंड, जिसे नौकर, नौकर ठीक है? नौकर, नौकर ताकतवर है। नौकर ताकतवर है। लैसल खादिमु प्रोविजन नौकर ताकतवर नहीं है। अल आमिलु नशीतुन काम करने वाला नशीतुन तंदुरुस्त चुस्त है, एक्टिव है। जो काम करने वाला वर्कर है वो चुस्त है, चुस्त मजदूर भी कह सकते हैं, मजदूर चुस्त। अल आमिलु नशीतुन काम करने वाला चुस्त है। लैसल आमिलु नशीतुन काम करने वाला चुस्त नहीं है। नहमु मरीजुन नहम कहते हैं बहुत ज्यादा खाने वाला, जो होता है ना, जो बंदा बहुत ज्यादा खाना खाता है उसको हम नहम कहते हैं। नहमु मरीजुन ज्यादा खाने वाला बीमार इसकी उर्दू में बीमार लाभ होता है, यहाँ से पेट पेटू होता है या पीटू होता है, इस तरह का कोई लाभ होता है उर्दू में। मतलब ज्यादा खाने वाले। यस,
نهيمو أصبحن نهيمو مريضون، زيادة کھانے والا بیمار ہو گیا. الجو ممطرون، موسم بارش والا ہے. اصبح الجو ممطرا، موسم بارش والا ہو گیا. العامل متعب، کام کرنے والا تھک گیا ہے. تھکا ہوا ہے، جو مزدور ہے وہ تھکا ہوا ہے. مزدور تھکا ہوا ہے. انسل عامل متعب، امسا شام کے وقت، شام کے وقت کام، مزدور شام کے وقت تھک گیا. اچھا یہ جو لفظ ہے نا، ہم صاحب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے مزدور تھک گیا سمپل، لیکن یہ جو لفظ ہے امسا اصبحا، ان کا ٹرانسلیشن میں تو ہم ایک ہی مطلب کر رہے ہیں، لیکن ویسے ہی جو ابھی آپ کو مطلب ہے نا شام کے وقت، تو یہ امسا کے لیے مخصوص ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے شام کے. اس سے پچھلے جملوں میں جو ہم نے پڑھا اصبحا، وہ صبح کا وقت شو کرتے ہیں. ابھی اب اس کو ہم انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے، سمپل ٹرانسلیشن کرنے پھر. نیکسٹ، شام کے وقت کام کرنے والا تھک گیا. الزہر زابل، پھول زابل، پھول مجھایا ہوا، پھول مجھایا ہوا ہے. پھول مرجھایا ہوا ہے. امسا زہر زابل، شام کے وقت پھول مرجھا جاتا ہے. الغمام خفیفن، خفیفن بادل چھا گئے. بادل بھرے ہوں گے، گنے ہیں، گنے ہو گئے. بادل گھنے ہی. اظہر غمام قطیفن، اچھا اظہر تو پھر چاش وقت، اظہر صبح کے وقت، چاش صبح، ٹھیک ہے. بادل گھنے ہو گئے. الشارع مزدحم، سڑک کہہ سکتے ہیں رش ہے. ہاں رش ہے، ٹھیک ہے. اصبح الشارع مزدحما، جس سے ٹریفک جام کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں. خیر ٹھیک ہے، سڑک پر بہت رش ہے. اصبح الشارع مزدحما، صبح کے وقت سڑک پر رش ہو گیا. المطر وزير، وزير وزیر کہتے ہیں موسلہ دار. بارش موسلہ دار ہے، ٹھیک ہے. سل المطر وزير، سل المطر، سل ہو گئی، جیسے سایہ ہوتا ہے لیکن ہو گئی. زلہ کا جو ایسے ایک اور بھی ہوتا ہے، بارش مسلسل ہوگی. زلہ بھی وقت کو شو کرتا ہے. اب یہ وقت کون سا تھا میں دیکھ لیتا ہوں. زلہ دوپہر کو، ہاں زلہ کہتے ہیں دوپہر کو. دوپہر کے بعد بارش تیز ہو گئی، مسلسل ہو گئی، ٹھیک ہے. بارش مسلسل ہو گئی. الغبار سائر، غبار سائر، مٹی کیا ہے؟ سائر کا مطلب ہوتا ہے اٹھا ہوا ہے،
जैसे तेजी से गाड़ी गुजरती है ना डस्ट के ऊपर से, तो डस्ट उड़ती हवा में, तो ये उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सायरन, जो गर्द है वो उड़ी हुई है। उड़ी हुई है, जलल गुब्बारे सायरन दोपहर के वक्त गर्द उड़ी। المصباح مفتقدون، चराग मुस्तकबिदन बुझा हुआ है, जल रहा है रहा चिराग है जो है वो जल रहा है। मुस्तकबिदन जल रहा है। बातल मिसबाहों मुस्तकबिदन रात कल रात गुजरी हुई रात, चराग जल रहा था। हाँ यार यूं भी कह सकती है, रात भर पूरी रात चिराग जलता रहा। पूरी रात ओके का चिराग जलता रहा। المريض متألم، بيمار متألم، متألمون نعم تذكر كسر متألم، ميم के ऊपर दम्मा है متألمون। ठीक है, متألم मरीज तकलीफ में है। मरीज तकलीफ में है। बातल मरीजों मुतअल्लिमन, मरीज ने पूरी रात तकलीफ में गुजारी। ठीक है, البحث كل مثال في القسم الأول، هر مثال پہلی قسم میں سے ہے، يتألف من مبتدأ وخبر، مثال في القسم الأولي پہلے سیکشن میں ہر مثال پہلے سیکشن میں ہر مثال، ये दो सेक्शन बने हुए ऊपर आपने देखे ना, एक में ठीक सिंपल जुमले लिखे हुए हैं और एक में काना और काना की बहनों के साथ जो जुमले हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक ये है आपको नंबरिंग भी बल्कि नज़र आ रही होगी, सिंपल जुमलों की अलग नंबरिंग है और जो काना वाले जुमले हैं उनकी अलग नंबरिंग है, तो ये दो सेक्शन बने हुए हैं। जी सर। पहले ओके सेक्शन में हर मिसाल पहले सेक्शन में यतअल्लफु मिन मुब्तदाई, ये मुश्तमिल तअल्लफ मुश्तमिल है मुब्तदा और खबर पर, वहुमा मरफूआत और वो दोनों मरफू हैं, कमा अलिमता जिस तरह आपने देखा ये जाना जिसका आपने पहले जाना पहले सीखा। ठीक है, पहले पहले। आपने सीखा। अच्छा, कोशिश किया करें कि जो जुमला होता है ना अरबी में वो एकदम मुकम्मल पढ़ा करें, जैसे यहाँ पे कुल्लू से लेके अलिमता तक एक जुमला था, तो अगर इससे आप इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो बेहतर है, वैसे जैसे आपको आसानी लगे। وإذا نظرت إلى القسم الثاني، और जब आपने देखा दूसरे सेक्शन की तरफ, رأيت दूसरी الأنشطة सेक्शन पर, दूसरे ग्रुप पर, दूसरे सेक्शن आवाज दूसरे आपकी ग्रुप बंद हो चुकी है, दूसरे सेक्शन पर आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही सर। अब आ रही है, नेट की क्या स्पीड लिखी हुई है? 73 73। तो चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। رأيت الأمثلة عينها بعد أن دخل على كل منها، और आपने देखा मिसालों को عينها अपनी आंखों से، بعد أن دخل على كل منها أحد الأفعال، إن أفعال में से أفعال پر أحد الأفعال، داخل أن دخل على كل منها أحد الأفعال، کہ داخل کیا ہر ان میں سے ہر ایک پر ان افعال، राइट,
उनमें से हर एक पल अहदुल अफाली, इनमें से एक फेल दाखिल करने के बाद जब आपने देखा, अब कागज ने वो फेल लिखे हुए काना सौरा लैसा असबहा अमसा हज़ल्ला बादा। ठीक है, देखा इनमें से एक फिल दाखिल करने के बाद काना सारा लेसा अस्पहा अमसा अजहा जल्ला बात है वाइजा तअम्मलता अवाखिर अस्माई फी हाजिल फिस्मी। और जब आपने गौर किया अस्मा के आखिर पर इस सेक्शन में या इस ग्रुप में वजदतल इस्मल अव्वला मरफूअन, और आपने पाया पहले इसम को मरफू फिकुल्ले अमसिलतिन हर मिसाल में तमाम मसालों में। तमाम मिसालों में फिकुल्ले अमसिलतिन तमाम मिसालों में वल इस्म सानी मंसूबन फी जमी रिहा, और दूसरा इसम मंसूब इन तमाम में वामा हदस हाजत तगीरी हाजत तगीरो और नहीं हदसा वमा हदसा हाज़ा हदसा तग़य्यरु। बना हदसा और नहीं ये तब्दील हुई यहाँ पे माँ का मतलब है क्या? सर, इल्ला से पहले माँ आता है तो नहीं के माने देते कौन सा क्या इल्ला? यहाँ पता वाली इल्ला में दखोल इल्ला अफ़ाल का मतलब है मुतकद्दम सवाय। इल्ला का मतलब है सवाय। वमा हदसा, और क्या लाया हाज़ा तगय्यरु, ये तब्दीली, इल्ला सवाय मिन दुखूलिल अफ़ालिल मुतकद्दमा, सवाय इन जो पहले आने वाले अफ़ाल का दाखिल होना है, ये लेकिन अफ़ाल का जो दाखिल होना है इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये तब्दीली लाई है। ये जो अफ़ाल हमने दाखिल की हैं, जो पहले आने वाले अफ़ाल को दाखिल करने के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये तब्दीली लाई है। ओके, वमा हद शहादत तहजीरी और क्या तब्दीली लाई है ये इल्ला मगर मिन दखूल अफ़ाल मुतकद्दमा इल्ला सिवाय मिन दखूल अफ़ाल मुतकद्दमा पीछे गुजरे हुए अफ़ाल के दाखिल होने से फहाजिल अफ़ालु इज़न तदखुल तदखुला तदखुला तदखला और ये अफाल जब दाखिल होते हैं अला अलल मुत्तदाई वल खबरी मुत्तदा और खबर पर फतरफाउल अव्वला वयुसम्माहा वतन सेबू सानी वयुसम्मा खबरा, और वो पहले को रफा देता है और वो इसका इसम कहलाता है वतन से बुस्तानी और दूसरे को नसब देता है वयुसम्मा खबरहा और वो उसकी खबर कहलाता है वयामुल मुजारियु वल अमरु मिन हाजिल अफाली अमलाहा और यामुल मुजारियु और मुजारी का जो आमिल है यहाँ काम करना इन अव मिन हाजिल अफ़ाली, इन अफ़ाल में से, ये जो अफ़ाल हैं ये मुजारे में भी इनके होते हैं और अमर में भी काम करते हैं। ये जो अफ़ाल हैं ये काम करते हैं मुजारे में भी और अमर में भी। गैरा अन्ना लैसा, लैसा के सवा, यानी कि लैसा के अलावा जितने भी ये फेर हैं इनका मुजारे वाली भी हालत होती है और अमर वाली भी हालत होती है। जैसे काना का मुजारे आपको पता होगा, काना तो माजी है, इसका मुजारे कुछ पता है क्या है? काना का मुजाह बिल्कुल, काना तो मुजाह का काना यकोनो यकोनु, और इसका अमर क्या होता है? अमर होता है काना यकोनो कुन
कौन, ठीक है। इसी तरह इन बाकियों का भी मुजारे भी होता है और अमर भी होता है, सिवाय लईसा का। जो लईसा है इसका मुजारे और अमर नहीं है। ओके, पढ़े इस लाइन को दोबारा। ठीक है। ويعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال عملها और يعمل काम करता है مضارع और أمر इस इन أفعال में عملها अपना काम غير سوى أن ليس أن और ليس के لا يأتي منها مضارع ولا أمر نہیں آتے इनके उनका मुजारे और अमर। वइजा तबरत मानी हाजिह अफाल तबरत और जब आपने गौर फिक्र किया मानी हाजिल अफाल फी अमसलती हाँ इन मिसालों की अफाल पर वजह अन नहीं, काम दोबारा है करें मतलब। सर एक मिनट क्या मतलब है इसका, दोबारा करें। वإذا تتبعت معاني هذه الأفعال في أمثلتها और जब आपने गौर किया इन अफाल के मानी في वाइजा معاني هذه तो الأفعال माना हाजिल अफआला फी अमसलती है। जब आपने गौर किया इन अल्फाज, इन अफाल के मानना पे, मिसालों में, उनकी मिसालों में वजदता, आपने पाया। أن كانت تفيد التصرف المبتدئي بالخبر في زمن الماضي और आपने पाया एक कान है तुफीदु फायदा देता है التصرف المبتدئي التصرف इतिसाफ का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। जो आपने पाया है कि जो काना है वो फ़ायदा देता है मुफ्तदा और ख़बर को माजी के ज़माने में डिस्क्राइब करने में फ़ायदा देता है। डिस्क्राइब करने में ठीक डिस्क्राइब की उर्दू क्या होती है? डिस्क्राइब का है मतलब एक्सप्लेन करना, बताना। प्लान करना वाजे समझाना, करने तुम कहते हैं समझाना, वाजे करना। हाँ, वाजे करना में बेहतर लफ्ज़ है। तो आपने पाया कि जो लफ्ज़ काना है वो हमें फ़ायदा देता है मुब्तदा और ख़बर का जो मतलब है उसको माजी में वाजे करने के लिए, हमें हमारी फ़ायदा पहुँचाता है। और सारा तदल्लु अला तहव्वुल मुब्तदाई मिन हालिन इला हाल सारा वस्तुअव्वलु, तहव्वुल तहवु, बल्कि यहाँ पे होगा तहवुलिल। ठीक है, तहवुलिल। हाँ पर पता है बिल्कुल, हा के ऊपर फतह है। नहीं नहीं तह नहीं, हा के ऊपर सुकून नहीं होगा, तहवुलिल। ये हा के ऊपर सुकून होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और लेकिन सर वाव की पुष्टि थी तो किस वाव होगा के ऊपर उसको भी बिठा दें तो इसका क्या होगा? ठहर एक सेकेंड। तहवुलिल वन,
इसके हा के ऊपर, ठीक है जी, ताहवुलिल, ये जो श्रद्धा मेघा से जो है, हाँ जो श्रद्धा है मेघा से, इसके अंदर हा के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, है उसी तरह ताहवुलिल, इसको जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ताहवुलिल, लेकिन जो श्रद्धा है वो मेघा से हा के ऊपर है, तो चेक करना पड़ेगा इसे, ताहवुलिल। हाँ, अगर हाँ साबुन है तो फिर तस्वीर तो नहीं आ सकती। श्रद्धा, अगर हफर्स की आ के ऊपर श्रद्धा हो फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे? साकिन सर, आप कह रहे हैं कि हाँ साकिन है। हा के पहला, अगर हा के ऊपर श्रद्धा होगी तो उसका मतलब ये होगा कि पहला हा जो है वो साकिन है, और फिर दूसरे का मसला हो जाएगा ता हा वुलिल, फिर इसको हम हा, दूसरे हा को पढ़ना पड़ेगा, इस क्लास को मैं देख लूंगा। चले المبتدائي من حال إلى حال जो लफ्ज تدل साथ, دلالة ठीक है पढ़े। على مشتق تحول इसके तब्दील معنى ताहुल का गहरे मतलब है तब्दील करने में, जो सारा है वो दलालत करता है मुब्तदा का तब्दील होने में एक हालत से दूसरी हालत में, जो सारा है वो दलालत इस बात पर करता है कि मुब्तदा एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो गया है। फिर से ये तहवुल भी हो सकता है। तहवुल तहावुल, ठीक है चले तहावुल, तब्दील ये मतलब इसका करने तब्दील होना, कन्वर्ट होना, चेंज होना। में मलाई सर तुफीदुन नफी, और मलाई सर फायदे देता है नफी, मतलब इनकार का, मना करने का। अमा अस्पहा, और जो है जो असबहा और अमसहा और अलसा व जल्ला व बातर, ये उत्तम सेदू तवी तौकी तत तिसाफुल मुब्तदाई, ये है फायदा देते हैं वक्त के वाजे होने का मुब्तदा और खबर के साथ, तिसबाही सुबह के चाहिए, वक्त। रुके 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 रुके, फतोफीदू तोकी तत तोकी तत्तिसाफी, इसका क्या मतलब है? वक्त के वाजे होने का, तोकीद का मतलब है यानी कि वक्त को वाजे, नहीं फतोफीदू ये फायदा पहुंचाते हैं, तोकीद तो वक्त के इत्तसावी, वक्त को डिस्क्राइब करने में यानी कि मुब्तदा और खबर के लिहाज से वक्त को डिस्क्राइब करने में ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब आगे कौन सा है? असबाग, कब उसने लिखा हुआ है? बिसबाही, असबाग का जो मतलब है सुबह के लिए, अमसा का मसाई शाम के लिए, अजहा का मतलब है सुबह चाशत के वक्त के लिए, जुहा, जल्ला का मतलब उसने लिखा हुआ नहारी दोपहर के लिए, और बाता लैल रात के लिए, अल तरतीब तरतीब के साथ। ठीक, تدخلوا كان على المبتدأ والخبر، كان مبتدأ وخبر پر داخل ہوتا ہے، यानी कि जुमले وتر इसमें पे होता है, ठीक है, وترفع الأول ويسمى اسمها وتنسب الثاني ويسمى खबर रहा, रफा देता है पहले पर और उसे उसका इसम कहते हैं, व तनसिब थानिया और दूसरे को नसब देता है, व युसम्मा खबर रहा और दूसरा उसका और उसकी खबर कहलाता है। ठीक है। मित्तु कान सीमा तकदमा कान फमा, कम فما فما تقدم مثل مثال كان مثلو کانا کانا کی تلا، فما تقدمہ جو پہلے گزر گیا،
पहले गुजर गया, फीमा तकदम, ये फीमा नहीं है, फामा जो पहले। हाँ जी, दोबारा रिपीट करें अपनी बात। अल्फा के ऊपर नुक्ते भी हैं, तो क्या हुआ? सीमा नहीं, यहाँ पे फी नहीं है, यहाँ पे फा दूसरा वाला है, अरफे जर वाला फी नहीं है। तो लेकिन खैर उसे कमा भी नहीं है। चलो कमा तकदमा, जो पीछे गुजरा है, वसार वलैस वअसबह वअंसा वअधा वजल्ला वबादर वसम्मा हाजिल अफआल अकवात काना अस्बा सार लैस अस्बह अंसा अधा जल्ला बातर, ये सब कान के अखवात कहलाते हैं। लिकुल फ़िअलिन मिन हाज़िहिल अफ़आलि मुज़ारिउन व अम्रुन यअमलानि अमल अल-माज़ी इल्ला लैसा, ये तमाम फ़ेल काम हल करते हैं फेल के मुज़ारिउन लिए, इन अफाल में से हल फेल के लिए। अफ़आल में से हर फ़ेल के लिए मुज़ारे और अमर यअमलानि काम करते हैं अमल अल-माज़ी माजी में, माजी के काम माजी इल्ला सिवाय लई से लई सके, फला याती मिन्हा मुजारी उन वाला अमरुन, इसका माजी और इसके मुजारे और अमर नहीं आता। यानी कि वो क्या कहना चाहता है हमें इस पॉइंट में? मैं ये कहना चाहता है कि ये जो बाकी अल्फाज हैं इन सब के मुजारे और अमर हो सकता है सिवाय ले सके। ठीक ठीक है, वैसे नहीं उसका यानी कि तीन चीज़ें हमने सीखी हैं कि चलो, कान्ना और उसकी बहनें मुब्तदा को मरफू कर देती हैं और खबर को मंसूब कर देती हैं। मुब्तदा खैर पहले ही मरफू होता है। और ठीक है, चलो तमन्नात पढ़ें। بين كل اسم وخبر لكان أخواتها في الجمل الآتية، وذكر هر اسم وخبر وذكر تمام اسم وخبر كو हाँ, बयान करें हर इसम और खबर को, ली काना لكان जो है काना और उसकी बहनों के लिए। في الجمل الآتية، نیچے دیے گئے جملوں میں كان محمودن شجاعاً، محمود شجاعاً بہادر، محمود بہادر تھا، ٹھیک ہو گیا, أصبح الحصان اسم كان، خانہ محمود ہو گیا, خبر و خانہ شجاع ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ, أصبح الحصان جائعاً، सुबह के वक्त घोड़ा भूखा था, भूखा ठीक है, भूखा हो गया. हो गया, अस्बहा ये हो गए कान के अखवात में से, और अलहिसान उसकी खबर जायन, अलहिसान मुब्तदा और जायन खबर। सानू असबाह का इसम है और जायन असबाह की खबर है, ठीक है, का मुब्तदा होगी. चलो, क्योंकि यहाँ पे उसने इसम का उसने जिक्र किया ना सवाल में, तो हम बेहतर ये है कि इसम ही कह दें. صار الأول آخرا، صار الأول آخرا، पहला आखिर में हो गया, पहला जो था वो आखिरी हो गया, पहले आने वाला आखिरी हो गया, ठीक है. सारा सारा अवलू अवलू सारा का इसम आखरन सारा के खबर। ठीक ठीक, बातल कल्बु नाइमन
कुत्ता पूरी रात सोता रहा, ठीक बात का इसम कलबू, नाइमन बात की खबर, लैसल मैदान फसीहन, मैदान नसी नहीं है, है। लैसल का इसम मैदान और लैसल की खबर फसीहन, अमसल गनीशु फकीरन, गनी गनी अमीर, फकीर अमीर, गरीब। कल शाम फकीर हो गया, हाँ, जो अमीर था शाम के बाद फकीर हो गया, यानी शाम के बाद फकीर हो गया, कि गरीब हो अमसल गया, शाम के बाद गरीब हो गया। अमीर शाम के बाद गरीब हो गया, अंश का ऐसा गंजू, अंश की खबर फकीरन, आज हस जीनो कलीकन, सजीनो सजीनो कैदी, कैदी, कलीकन आजाद, कलीकन आजाद, कैदी आजाद, मतलब चाश के वक्त आजाद हो गए, सुबह के वक्त आजाद हो गए, अजहा कसम सजीनों सजीनों और पलियकन अजहा की खबर, जल्लल इनबु कसीरन, जल्ला साया दिया अंगूरों ने बहुत ज्यादा, जल्ला दोपहर के वक्त अंगूर ज्यादा हो गए। दोपहर वक्त अंगूर ज्यादा हो गए, अजहा जुमले आती थी, अजहा आवाज नहीं आ रही। करें दाखिल करें काना, हर जुमले में जुमले में आती थी, नीचे दिए गए जुमले होते हैं, मुश्किल आखर कुल लेकर वश मुमकिन फिलहाल, की, मुश्किल वश की। मुश्किल आखर कुल कलिमतिन फीहा, और हर कलिमे के आखिर में एराब लगाई, अल्हाइसु इसमें पहले अदखिल काना, कानल हारिसु मुस्तैकिज़ मुस्तैद, मुस्तैकिज़, पहले एक दो जुमले को अलग पढ़ें, फिर काना दाखिल करें, इससे गड़बड़ हो सकती। अल्हाल मुस्तैकिज़ चौकीदार जागा हुआ है, मैं ठीक है, जाग रहा है, कानल हारिसु मुस्तैकिज़ चौकीदार जागा हुआ था, अल आमु हारुन साल, आम साल साल गरम है, गरम हो ठीक, गया है, गरम है बस। कानल आमु हारन साल गरम था, अलहसानु मुसरजुन घोड़ा मुसरजुन, घोड़े के ऊपर हम सीट सी रखते हैं छोटी सी, जिसके ऊपर बंदा बैठता है, उसको क्या कहते हैं उर्दू में? इसे छोटा सा, बस उसे उसे कमर होती है पर रख देते हैं। इंग्लिश में उसको सैडल कहते हैं, उसको मुझे नहीं पता। खैर चलो, इंग्लिश में निकाल लेते हैं फिर। द हॉर्स इज सैडल्ड, ये घोड़े पर वो सैडल लगी हुई है, अभी बैठने के काबिल है घोड़ा। अलहितानु मुसरजन, कानल हिसानु मुसरजन घोड़े पर सेदल लगी हुई थी, अलहाउजु मुमतली उन मुमतली उन, हाउस कहते हैं पानी, कहते हैं पाउंड, तालाब। तालाब,
ممتلئ خراب है, بدلا है भरा तो हुआ है, मुमतलियन भरा हुआ। ممتلئ भरा हुआ है. कानल हौज ممتلئ, हौज भरा, तालाब भरा हुआ था. المفتاح ضائع, चाबी गुम हो गई है. कानल मिफ्ताहु ज़ाइअन, चाबी गुम हो गई थी. अद्दुखानु मुतसाइदुन, मुतसाइदुन, सात अद्दुखानु आसाई से उठा हुआ है, उड़ रहा है, हवा में चढ़। धुआं धुआं उठा हुआ है. हाँ, धुआं हवा में उठ रहा है, चढ़ रहा है, हवा में बुलंद हो रहा है, धुआं हवा में बुलंद हो रहा है। धुआं हवा में बुलंद बुलंद हो रहा है. कानत दुकानु मुतफाइदन, धुआं हवा साइड मुतफाइदन, धुआं हवा में बुलंद हो रहा था. अलबाबु मफ्तूहन, दरवाजा खुला हुआ है. कानल बाबू मफ्तूहन, दरवाजा खुला हुआ था. अलखादिमु नाइमुन, नौकर सोया हुआ है. कानल खादिमु नाइमन, नौकर सोया हुआ था. अल्लैलु मुनखफिजुन, النيل منخفضون النيلو منخفضون, دريا دري من النيل منخفضون. منخفضون कहते हैं, जब दरिया में पानी कम हो जाता है ना, उस हालत को हम कहते हैं मुनखफिसुन, पस्त हो गया। उर्दू में पत्नी क्या कहते हैं जब दरिया में पानी कम हो जाए, तो हम क्या क्या कहते हैं? कानून चलो, बस कोई कोलाज भी यहाँ से होता है, इंग्लिश में इसे डिप्रेस कहते हैं। चलो, दरिया नील में पानी कम हुआ हुआ है, पानी कम है, पानी का लेवल गिर गया है, होना पानी का लेवल गिर गया है। चाहिए. कानन नीलू मुन खातिजन, दरियाए नील में पानी का लेवल गिर गया था. ठीक है, वो होते हैं ना वाक्य आज़ाद उमर के दौर के, उसमें इसका जिक्र होता है कि इसके लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ है, मुझे अब याद नहीं क्या होता है। चलो, नेक्स्ट टाइम चला यहीं से शुरू करेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है। पेज नंबर 66 से शुरू करेंगे, ठीक है। जी सर.